क्षेत्र सिक्किम, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदार। सबका इस वीडियो में स्वागत है। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे। आज का संदेश जो है वो आपका जीवन बदल देगा यीशु मसीह की कृपा से। इसलिए ये जो संदेश जो है, आप अंत तक इस संदेश को देखना। संदेश से पहले हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। आप महान खुदा है, आप जिंदा खुदा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे आप उनके साथ रहना, उनको आशीषित करना, उनको बरकत देना। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमेन। आइए हम जाएंगे यूहन्ना के अध्याय 5 और 1 से हम पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु यहूदियों के एक उत्सव में यरूशलेम गया। अभी यहां पे लिखा है कि यीशु जो है यहूदियों के एक उत्सव यानी एक पर्व में यरूशलेम गया। अभी यहां पे लिखा नहीं है कि कौन सा उत्सव या कौन सा पर्व, इसके बारे में यहां पे लिखा नहीं है। और जैसे कि आपको मालूम है कि यहूदियों के जो है वो 7 उत्सव रहते हैं, 7 पर्व रहते हैं। उनमें से 3 जो पर्व है वो बहुत ही, जिसको आप कहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपकी उपस्थिति जो है वो आवश्यक होती है। तो वो है पासोवर का पर्व जिसको कहा जाता है पेसाद, दूसरा जो है वो पेंटिकॉस्ट का पर्व शावोट, और तीसरा जो है प्यूवेल। बहुत सारे जो स्कॉलर्स कहते हैं कि जो उत्सव का यहाँ पे जिक्र हुआ है वो है पासोवर का पर्व। आइए हम आगे पढ़ते हैं। यरूशलेम में भेड़ द्वार के पास एक तालाब है। अभी भेड़ द्वार जो है इसका इंग्लिश में कहा जाता है शिप गेट। अभी उसको भेड़ द्वार क्यों कहा जाता है कि वहां से जो है, वहां से भेड़ जो है वो मंदिर में प्रवेश करती है, इसलिए उसको भेड़ द्वार कहा जाता है। तो भेड़ द्वार के पास एक तालाब है। इब्रानी भाषा में इसे बेथसदा कहा जाता है। अभी इसका जो इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो है हाउस ऑफ मर्सी, या तो हिंदी में हम कह सकते उसको दया का घर। इसके किनारे 5 बरमदे बने हैं जिनमें नेत्रहीन, अपंग और लकवे के बीमारों की भीड़ पड़ी रहती है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत तालाब में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। भाइयों बहनों, यहाँ पे ये जो वचन जो हमने पढ़े, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। और आपके मन में प्रश्न होगा कि मेरे जीवन में चंगाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। तो उसका जो उत्तर है, उसका उत्तर यहाँ पे है। अभी यहाँ पे आप देखते हैं कि एक तालाब था और तालाब के नजदीक जो है उसके किनारे 5 बरमदे थे, और उसमें सब जो भी जो बीमार लोग हैं, जैसे कि नेत्रहीन लोग हैं, जो अपंग लोग हैं, जो लकवे के मारे जो लोग हैं, वो वहाँ पे जो है वहाँ पे वो पड़े रहते थे। क्योंकि वहाँ पे एक मान्यता थी, एक विश्वास था, एक परंपरा थी कि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत तालाब में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। तो ये उनकी मान्यता थी। तो इसलिए सब जो बीमार लोग थे, जो नेत्रहीन लोग थे, जो अपंग लोग थे, जो लकवे के बीमारी से जो पीड़ित लोग थे, वो वहाँ पे जो है वहाँ पे तालाब के जो नज़दीक वहाँ पे बैठे रहते थे, और उनका ध्यान जो था वो ध्यान उस पानी के ऊपर था। क्योंकि जैसे पानी जो हिल जाता है तो वो तुरंत ही जो है वो उस तालाब में उतर जाते थे ताकि उनको चंगाई मिले। अभी भाई और बहन, ये लोगों ने जो है उन्होंने बहुत बड़ा एक मौका खोया है, क्योंकि यीशु मसीह वहां पे थे, जो चंगाई देने वाला वहां पे था, खुदा था वहां पे, परमेश्वर का बेटा वहां पे मौजूद था, और वो एक चंगाई का तालाब था। मगर ये जो लोग जो थे, ये लोग सब जो थे उन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा, क्योंकि उनका जो ध्यान जो था वो ध्यान उस पानी के ऊपर था।
जो तालाब का जो पानी था उसके ऊपर उनका ध्यान था, वो यीशु मसीह के ऊपर ध्यान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी चंगाई खोई। एक बहुत बड़ा मौका उन्होंने खो दिया। भाइयों बहनों, हमारे जीवन में हम प्रार्थना करते हैं मगर चमत्कार क्यों नहीं होता है, चंगाई क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो यीशु मसीह के ऊपर नहीं होता है, हमारा ध्यान जो होता है वो पानी के ऊपर होता है, हमारा ध्यान जो होता है वो लोगों के ऊपर होता है, हमारा ध्यान जो होता है जो हमारी जो परंपरा जो है उसके ऊपर होता है, इसलिए जो है हमें चंगाई नहीं मिलती है और हम जो है हम मौका खो देता है हमारे जीवन में चमत्कार होने के लिए, क्योंकि हम यीशु मसीह को देखते नहीं है। यीशु मसीह हमारे बहुत नजदीक खड़े हैं मगर हम यीशु मसीह को नहीं देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं। हमको लगता है कि लोग हमें चंगाई देंगे, हमको लगता है कि लोग हमारे जीवन को बदल देंगे, हम यीशु मसीह को नहीं देखते हैं और हम जो है बहुत बड़ा मौका हमारे जीवन में हम खो देते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। इन रोगियों में से ऐसा मरीज भी था जो 38 वर्ष से बीमार था। तो यहाँ पे एक मरीज था, यहाँ पे बीमार आदमी था और बाइबल कहती कि वो 38 वर्ष से बीमार था। 38 वर्ष यानी कि ये बहुत बड़ा लंबा समय है। और ये जो आदमी था, ये जो बीमार आदमी था, वो लकवे का मारा था, वो चल नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता था। तो वो बहुत जो है मुसीबत से अपना जीवन जी रहा था। वो 38 वर्ष जो था वो दूसरों के ऊपर जो था वो निर्भर था, क्योंकि जब आपको लकवा मारा होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप खुद का ध्यान नहीं रख सकते हैं, आपको जो है वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। तो ऐसा ये जो आदमी जो है वो जीवन जीवा था। अभी बाइबल में जो है ये क्यों बताया है कि वो 38 वर्षों से वो बीमार था? देखो, जब बाइबल जो है जब कोई वर्षों के बारे में बताती है, कोई महीनों के बारे में बताती है, कोई दिन के बारे में बताती है, तो ये जो है इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि यहूदी लोग जो थे वो यहूदी लोग जो है वो 38 साल जो है वो रेगिस्तान में भटक रहे थे। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि उनको 40 साल लगा वो जो प्रदेश है जो परमेश्वर ने उनको दिया था वो प्रदेश वहां तक पहुंचने के लिए उनको 40 साल लगा, मगर उन 40 साल में से 38 साल जो है वो सिर्फ भटक रहे थे, सिर्फ उस रेगिस्तान में भटक रहे थे। क्यों भटक रहे थे? क्योंकि उन्होंने जो है उन्होंने परमेश्वर के ऊपर जो है विश्वास जो है नहीं दिखाया और परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बगावत की, इसलिए जो है वो 38 साल जो है वो सिर्फ रेगिस्तान में भटकते रहे। और यहाँ पे ये बीमार जो था वो 38 वर्ष से वो बीमार था, वो तड़प रहा था, वो भी भटक रहा था, मगर आज उसके लिए वो दिन आ गया है, आजादी का दिन उसके लिए आया है, क्योंकि यीशु मसीह वहां पे है। वचन 6, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अभी यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह ने उसको देखा, यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। भले इसने यीशु मसीह को बताया नहीं, बड़े यीशु मसीह जो है वो सब कुछ जानते हैं, कितने साल से जो वो पीड़ाओं में है यीशु मसीह सब जानते हैं, यीशु मसीह जो है वो सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। यदि हम यीशु मसीह को बताते नहीं है मगर सब कुछ यीशु मसीह हमारे जीवन के बारे में जानते हैं, तो जब यीशु मसीह ने इसको देखा तो यीशु मसीह को पता चला कि वो बहुत सालों से जो है वो इस पीड़ा में है। और यीशु मसीह ने उससे सवाल की, पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये बहुत ही सीधा साधारण सवाल था। क्यों यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? अभी इसका जवाब जो है, जवाब तो आपको मालूम है, जवाब तो उसका हाई होना चाहिए, मगर यीशु मसीह ने उसको इसलिए पूछा कि यीशु मसीह देखना चाहते थे कि इसका विश्वास का स्तर कितना है। रोगी ने जवाब दिया, देखो अभी रोगी ने क्या जवाब दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो जल के हिलने पर मुझे तालाब में उतार दे। जब मैं तालाब में जाने को होता हूं, सदा कोई दूसरा आदमी मुझसे
पहले उसमें उतर जाता है। अब यीशु मसीह ने उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका जवाब होना चाहिए था, हाँ मैं होना चाहता हूँ, मुझे इस बीमारी से चंगाई चाहिए। मगर ये जो व्यक्ति जो है, ये रोगी जो है, उसने बहाने बताए, उसने यीशु मसीह को यह बताया कि क्यों मैं अभी तक चंगा नहीं हुआ है। मगर यीशु मसीह ने जो है उसको सवाल पूछा था, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका उत्तर होना चाहिए था, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, मगर इसने जो है बहुत सारे बहाने बताए। इसका मतलब है कि इसका विश्वास नहीं था। वचन 8, यीशु ने उनसे कहा, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और चल पड़। वो आदमी तत्काल अच्छा हो गया, उसने अपना बिस्तर उठाया और चल दिया। भाइयों बहनों, यदि आज आप बीमार है तो यीशु मसीह आपसे कह रहे, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और चल पड़। ये आवश्यक है कि ये जो यीशु मसीह के जो है वचन के ऊपर विश्वास करना। यीशु ने कहा है, तू खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और चल पड़। यहां पे हम देखते कि ये जो आदमी था, इसका कोई विश्वास नहीं था, तो भी यीशु मसीह ने उसको चंगाई दे दी। भाइयों बहनों, हम बहुत सारा प्रचार सुनते हैं कि आपको अगर चंगाई चाहिए तो आपके पास विश्वास होना चाहिए, यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो आपको चंगाई मिल सकती है। भाइयों बहनों, जब आप बीमार होते हैं तो विश्वास नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है कि विश्वास मन में रखना कि मैं ठीक हो सकता हूं, बहुत मुश्किल होता है, ये हकीकत है। मगर यहां पे हम देखते हैं कि इसका विश्वास नहीं था, तो भी यीशु मसीह ने जो है उसको चंगाई दे दी। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है ये समझना कि चंगाई, चमत्कार, ये सब यीशु मसीह की कृपा से होता है। हाँ, विश्वास चाहिए, मगर आवश्यक बात है कि जो भी चंगाई मिलती है, जो भी चमत्कार होता है, वो यीशु मसीह की कृपा से होता है। अभी ये जो व्यक्ति था, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, कुछ उसका विश्वास भी नहीं था, मगर तो भी उसको चंगाई मिले। आगे बढ़ते हैं। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भावी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अभी ये जो व्यक्ति जो है यीशु मसीह को बाद में मंदिर में मिला, अभी ये मंदिर में जो है वो आराधना के लिए नहीं गया था। जैसे मैंने कहा कि ये जो है चंगा हुआ था, मगर जो विश्वास जो है वो नहीं था, तो वो क्यों मंदिर में गए थे? क्योंकि यहूदी लोग के जो लीडर्स थे, जो याजक थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि ये जो है ये शबात के दिन ये चंगा हुआ है, इसलिए उसको पूछने के लिए उसको जो है वो मंदिर में बुलाया गया था। और यीशु उसको मिला, यीशु ने कहा उसको, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भावी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देखो भाई बहन, यीशु मसीह ने ऐसा उससे क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह उनको बताना चाहते थे कि जो बीमारी आपके जीवन में आई है, जो आप 38 साल से जो तड़प रहे थे, वो आपके पापों के वजह से आई है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सब जो बीमार होते हैं उन्होंने कुछ पाप किया इसलिए वो बीमार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मगर पाप जो है वो बीमारी को लेके आता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा उससे कि तुम फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भावी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। भाइयों बहनों, पाप जो है वो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकता है, हमारे जो है एजुकेशन को बर्बाद कर सकता है, हमारे परिवार को बर्बाद कर सकता है, हमारे जो करियर है उसको बर्बाद कर सकता है। मगर आज हम जो दुनिया में जो जी रहे हैं, वो तो कहते हैं कि पाप से कुछ नहीं होता है, पाप करना स्वाभाविक है, ये तो स्टाइल है, दारू पीने से कुछ नहीं होता है, सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता है, पब जाने से कुछ नहीं होता है, वैश्यों के पास जाने से कुछ नहीं होता है, व्यभिचार करने से कुछ नहीं होता है। भाइयों बहनों, ये गलत बात है।
पाप जो है पाप आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है और आपको अंत में नरक के आग में वो ढकल सकता है और हमें जो है अनंत काल जो है वो नरक के आग में जो है वो तड़पना होगा। वहाँ पे बाइबल कहते कि वहाँ पे एक पानी का बूंद भी नहीं है। इसलिए जो है जो दुनिया कहती है कि पाप जो है पाप करने से कुछ नहीं होता है चलता है, आप जो है इसके ऊपर विश्वास मत करना। अगर विश्वास करेंगे आपका जीवन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। हम जाएंगे गलतियां 5:18-21 पढ़ेंगे। अब देखो हमारे शरीर के पाप पूर्ण प्रकृति के कामों को तो सब जानते हैं, वे है व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विलास। व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विलास, अभी ये जो तीनों जो पाप है यहां पे जो बता है ये सभी कामुक पाप है, सेक्स से संबंधित पाप है। अभी व्यभिचार ये जो है ये प्राचीन ग्रीक शब्द पोर्निया है, वहां से आया है और पोर्निया का अर्थ है वेश्या का उपयोग। अभी जो पोर्न जो शब्द आया है वो भी वहां से आया है। अभी व्यभिचार का मतलब क्या कि दो अविवाहित व्यक्तियों या दो व्यक्तियों के बीच स्वैच्छिक संभोग जो एक दूसरे से विवाहित नहीं है, शादी से पहले और शादी के बाहर सेक्स, ये व्यभिचार है और इसमें जो है वो समलैंगिकता भी आती है। अशुद्ध का मतलब क्या है? अशुद्ध का मतलब ये है, अशुद्ध जो है वो कई यौन पापों को कवर करती है जो वास्तविक संभोग नहीं है, जैसे कि पोर्नोग्राफी, हस्त मैथुन जो वास्तविक संभोग नहीं है। दूसरी बात, अशुद्धता में अशुद्ध वाणी, जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो जब बात करते हैं कि उनसे बहुत सारी गालियां निकलती है और ये बहुत गंदिया गाली होती है, ये सब अशुद्ध वाणी होती है, ये हमें जो है वो अशुद्ध कर देती है। या दोहरे अर्थों से भरी विचार तेजक बात भी शामिल है। कुछ कुछ जो बातें होती हैं, कुछ जो मूवीज होते हैं, कुछ जो जो टीवी शोज उसमें जो दोहरी बातें होती हैं, तो ये भी हमें जो है वो देखनी नहीं चाहिए। और तीसरा पाप, भोग विलास, किसी भी समय पाप करने के लिए तैयार का विचार होता है। ये किसी ऐसे व्यक्ति का बात करता है जो अपनी अनित्यता का दिखावा करता है, सभी संयोगों को त्याग देता है और शर्म, औचित्य या शर्मिंदगी की भावना नहीं रखता है। वो सिर्फ भोग विलास में जो है वो लगा होता है। उसके बाद मूर्ति पूजा, जादू टोना, भाव, लड़ाई झगड़ा, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जो होते हैं वो भाव से जो है भाव से वो अच्छी बातें करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, मगर अंदर से उसके उनके मन में उनके खिलाफ क्रोध होता है, बैर होता है। और कुछ कुछ जो होते हैं वो किससे भी वो झगड़ा ही करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पड़ोसी हो या उनके परिवार का कोई सदस्य, उनसे वो झगड़ा ही करते रहते हैं। डाह, क्रोध, गुस्सा, हमेशा हमेशा दिल में गुस्सा, स्वार्थीपन, सिर्फ खुद का सोचना, मतभेद, फुट, बहुत सारे जो होते हैं वो चर्चेस में फुट डाल देते हैं, ईर्ष्या, नशा, लपंटता या ऐसे ही और बातें। अब मैं तुम्हें इन बातों के बारे में वैसे ही चेता रहा हूं जैसे मैंने तुम्हें पहले ही चेता दिया था कि जो लोग ऐसे बातों में भाग लेंगे, जो बातें अभी हमने देखी है, जो लोग ऐसी बातों में भाग लेंगे, भाइयों, बहनों, दोस्तों, इसको आप सुनना, यह बहुत आवश्यक है। दुनिया का आप मत सुनो। दुनिया कहती है कि पाप करना जो है वो चलता है, मगर नहीं चलता है, वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, आपको नरक की आग में वो ढकल देगा और तभी आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जो भी करना आज करना है,
तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि अब मैं तुम्हें इन बातों के बारे में वैसे ही चेता रहा हूं जैसे मैंने तुम्हें पहले ही चेता दिया था कि जो लोग ऐसी बातों में भाग लेंगे वे परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं पाएंगे। ये बताया है, इसलिए बहुत आवश्यक ही कि ये सब जो बातों जो है ये सब बातों का पश्चाताप करके यीशु की मसीह की तरफ आना। आइए अब आगे पढ़ते रोमियो अध्याय 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या लिखा है यहाँ पे? सबने पाप किया है, मैंने पाप किया है, तुमने पाप किया है, सबने पाप किया है। कोई भी इंसान यहाँ पे कह नहीं सकता है कि मैंने पाप नहीं किया है। कोई भी कहता ओ मैंने बड़े पाप नहीं किए, मैंने व्यभिचार नहीं किया, किसी का खून नहीं किया है। भाई बहनों, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आपने एक स्त्री को बुरे नजर से देखा तो आपने जो है व्यभिचार किया है। तो इससे तो हम सब पापी है, कोई भी छूटा नहीं है। कोई भी कह नहीं सकता आज कि मैं इससे अच्छा हूं। मैं नहीं कह सकता कि मैं आपसे अच्छा हूं, आप कह नहीं सकते कि मैं आपसे अच्छा हूं। कोई कह नहीं सकता, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। आइए हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब हम पाप करते हैं, जब हम पाप में होते हैं, तो हमें मजदूरी मिलती है और वो मजदूरी क्या है? वो है मृत्यु। मृत्यु यहां पे जो है इसका मतलब जो है इसका मतलब है कि अनंत काल के लिए नरक की आग में तड़पना। अभी अनंत काल का मतलब है एक दो दिन नहीं, अनंत काल का मतलब है कि हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जो है वो तड़पना। भाइयों बहनों, क्या ये आपको मंजूर है? देखो, सबने पाप किया है, मगर जब हमारे पाप की क्षमा हो जाती है, जब हमारे पाप माफ हो जाते हैं, तो हमें ये सब जो है हमें वो पाप के वजह से हमें जो पीड़ा भोगने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का क्या वरदान है? वरदान है कि उद्धार, अनंत जीवन, स्वर्ग में अनंत जीवन। और यह जब हमें मिलेगा, जब हमारे पाप की क्षमा होगी, हमारा उद्धार होगा। भाई बहनों, सबने पाप किया है, मगर बहुत आवश्यक है आपकी पाप की क्षमा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पाप की क्षमा नहीं हो जाएगी, तब तक जो है पाप की जो शिक्षा जो है वो आपको भुगतनी पड़ेगी, और वो जो है वो बहुत भयानक है। इसलिए उद्धार होना बहुत आवश्यक है। कैसे आपका उद्धार होगा? आइए हम पढ़ेंगे रोमियो 10:9-10। यदि तू अपने मुंह में यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखो, उद्धार के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी है वो सब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया है। यीशु मसीह ने जो है वो क्रूस के ऊपर जान दे दी है, अपना लहू बहाया है। क्यों यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे? आपने देखा होगा, आपने इसका फोटो देखा होगा, आपने वीडियो देखे होंगे, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है। क्यों है वो? हमारे पापों के वजह से यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है। उन्होंने जो शिक्षा हमें होनी चाहिए थी वो सब उन्होंने खुद के ऊपर ले ली और हमें आजाद किया। इसलिए यहां पे बाइबल कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तुम अंगीकार करो यीशु प्रभु है और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। यीशु मसीह मर गए थे हमारे पापों के लिए, मगर वो 3 दिन के बाद वो जो है वो जिंदा हो गए, वो जिलाए गए। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहां पे क्या लिखा है? तू निश्चय उद्धार पाएगा। भाइयों बहनों, मैंने कहा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ कुछ बातों के ऊपर अपने मन से आपको विश्वास करना है, यीशु मसीह के ऊपर आपको विश्वास करना है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। भाइयों बहनों, पाप जो है, पाप आपको नरक की आग में डाल सकती है,
पाप आपका जिंदगी बर्बाद कर सकती है, आपका परिवार को बर्बाद कर सकती है, पाप जो है आपका स्वास्थ्य खराब कर सकती है। मगर आज हमें मौका है उद्धार पाने का। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते ये समय के लिए। आप महान खुदा है, आप जिंदा खुदा है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।